लाइकी ऐप के जरिए लड़की से जुड़ा युवक, एडिट कर अश्लील फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की दे रहा था धमकी, कर रहा था पैसे की मांग, हुआ गिरफ्तार। मैनपुरी में पुलिस ने सोशल मीडिया पर डाली गई फोटो व वीडियो को एडिट करके अश्लील फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर पैसा वसूली करने वाले शातिर युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सेना के सूबेदार की बेटी को ये शातिर युवक अमेरिका सहित कई विदेशी नंबरों से बदल बदल कर फोन करके व मैसेज करके 2 माह से ज्यादा समय से परेशान कर रहा था। लाइकी ऐप के जरिए ये युवक लड़की के संपर्क में आया था। युवक की हरकतों से बेहद व्यथित हो चुके, आत्महत्या जैसी बात सोच रहे सेना के सूबेदार ने थाना एलाऊ में 30 जनवरी 2021 को धारा 384, 506, 66 डी के तहत केस दर्ज कराया। इसके बाद मैनपुरी पुलिस और साइबर सेल गहराई से पड़ताल में जुट गई। लाइकी ऐप, यूट्यूब व अन्य ऐप की कंपनियों से डिटेल जुटाई। पुलिस को बापूनगर अहमदाबाद में इस शातिर युवक संतोष सिंह के रहने की जानकारी लगी। थाना एलाऊ के जागीर चौराहा पर ब्लैकमेलिंग की रकम वसूलने आए शातिर संतोष को पुलिस ने धर दबोचा। उसके कब्जे से 2 मोबाइल सैमसंग व वीवो कंपनी व 5 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड पुलिस ने बरामद किया है। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी की रिपोर्ट। लगभग 2 माह पूर्व एक शिकायत प्राप्त हुई थी, एक आर्मी के सूबेदार हैं सर्विस, उनके द्वारा कि एक व्यक्ति द्वारा उनकी लड़की से लाइकी ऐप पर किसी माध्यम से संपर्क किया गया था और उसी में वो दोनों टच में आए। उसके बाद वो व्यक्ति उनकी लड़की को लगातार परेशान कर रहा था। उनके परिवार के द्वारा हमें भी सलाह दी गई और उन्होंने भी कई सारे नंबर्स ब्लॉक किए, परंतु विदेश के नंबर और कई अन्य अन्य नंबर से रोज उनको नए नए कॉल और नए नए मैसेज धमकी भरे आते रहते थे। तो इसमें फिर साइबर सेल को लगाया गया था, इसमें ट्रेस किया गया जो पीछे अभी खड़ा हुआ है। इसके लाइकी ऐप का डिटेल, यूट्यूब और अन्य अकाउंट का डिटेल और जिन नंबर्स के माध्यम से, विदेशी नंबरों के माध्यम से इसने कॉल किया था, उन विदेशी नंबरों की पीछे जो हमने पूरी ट्रेल, लगभग 4-5 कंपनियों से हमको इसमें वार्ता करनी पड़ी और इसमें हमने पूरी ट्रेल को वर्कआउट किया। तो इसके बारे में पता चला कि ये अहमदाबाद में रह रहा है। फिर इस पर और भी काम किया गया तो इसकी गिरफ्तारी साइबर सेल पुलिस द्वारा की गई है और ये बहुत अच्छा केस है क्योंकि इसमें जो सूबेदार जी का परिवार है, जो आर्मी के सूबेदार हैं, वो बहुत ही व्यथित थे और उनके द्वारा यहाँ ये भी कहा गया था कि कोई ऐसा वैसा कदम भी उठाया जा सकता है उनके द्वारा, तो हमने उनको सांत्वना दी थी कि ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमारी साइबर सेल की टीम पिछले 2 महीने से लगातार, जैसा कि आप लोगों को याद है, लगी हुई थी। ये बहुत अच्छी सफलता हमारी साइबर सेल इंचार्ज और पूरी टीम ने ये पाई है। इसमें जो हम प्रेस नोट आप लोगों को देंगे उसमें कुछ सुझाव भी दिए जा रहे हैं। लगातार साइबर सेल की जो भी पीसी होती है उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी इस प्रकार का अनजान व्यक्ति, अगर इफ़ इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू इट इज़ नॉट ट्रू, मतलब कि अगर बहुत अच्छा है तो उसको अच्छा ना माना जाए। कोई भी आपको फ्री में कोई नौकरी नहीं दे देगा अनजान आदमी फोन पर, या आपके वहाँ टावर नहीं लगवा देगा, या आपके पैसे नहीं दे देगा, या आपका रिचार्ज नहीं करा देगा, या आपके बैंक अकाउंट में कोई क्रेडिट नहीं कर देगा। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है, इसके लिए मैं साइबर सेल को बधाई देता हूँ और साइबर सेल को उचित रिवॉर्ड भी इसमें दिया जाएगा। धन्यवाद। टॉप न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।